उनको भी पता नहीं है। हम लोगों को काम ही पता करना कि कहां क्या चल रहा है, वो पता है, वो तो उनकी तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनका बनाया हुआ इंडिया अलायंस किधर जा रहा है। अच्छा पल्लवी जी, एक सवाल ये है कि आप पिछले कुछ वक्त में जब भी आपसे इंटरव्यू हुआ है, आपने अक्सर ये कहा कि सीटों के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद है विचारधारा की जो हमारी लड़ाई है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन ये जो आपका जो टूट हो रही है, ये तीन प्रत्याशी उतारने के बाद हो रही है, लग नहीं रहा कि अखिलेश में ही बल्कि आपकी तरफ से गठबंधन में दरार है? नहीं देखिए, अगर हम गठबंधन में हैं उत्तर प्रदेश में, इंडिया अलायंस में तीन प्रमुखता से पार्टी हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल। जब कांग्रेस की सीट निर्धारित हो गई, समाजवादी पार्टी की निर्धारित हो गई, तो आप हमें भी बता दीजिए। हमने आपसे इन बातों का डिस्कशन किया दोनों पार्टीज़ के साथ, अगर आपको लगता है कि हमारी काबिलियत एक की भी नहीं है तो आप हमको स्पष्ट कर देते। तब आप मुतमईन रहेंगी अगर कोई भी सीट नहीं मिलती है, तब आप साथ में रहेंगी? देखिए मैं पुनः अपनी उसी बात को कहूँगी कि सीटों गठबंधन में आने के लिए, गठबंधन धर्म निभाने के लिए और अपने जो आपका सूत्र है पीडीए को आगे पहुंचाने के लिए, अगर थोड़ी ऊपर नीच करनी पड़ती है तो वो हर पार्टी का सामंजस्य बैठाने का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। हमने अगर हम सिर्फ टूट ही करना चाहते तो हम तीन डिक्लेयर क्यों करते? अपना दल का जनाधार बहुत बड़ा है, मैं और सीटें भी कर सकती थी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और सीटें भी कर सकता था।